हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। दिखा ना बेटा, दिखा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओएस पोखरियाल अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद ओएसपी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज करवा चौथ का व्रत है और आज जो है महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। तो यहाँ मंदिर में भी कुछ महिलाएं इकट्ठी हो रखी हैं और ये यहाँ पर जो है कथा वाचन करने जा रही हैं। तो दिखाते हैं आपको आगे का सीन। करवा चौथ की पौराणिक व्रत की कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थापुर के एक सार में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ, जिससे उसके साथ महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणावती थी। क्योंकि सात भाइयों की वह एक केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। वह जब वह विवाह के लायक हो गई, तब उसकी शादी का एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी, तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। तभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वो जानते थे कि वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण क्षीण न चले जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर बट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था में जागी, तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन करने के लिए वीरावती पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर दिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने ही दीपक को चंद्रमा सुमन अर्पण कर अपने वृक्ष को छोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया, तो उसे अपने मिले। पहले कौर में उसे बाल, दूसरे में उसे छींक, तीसरे में कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को संतावना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों, और अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा का अर्घ अर्पण किए बिना ही वृत को तोड़ दिया, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वस्त किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक व्रतों और मासिक वार्षिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करके अंत में वो सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो कोई फल कपट को त्याग कर करवा चौथ का व्रत करेंगी, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए विलेशों से मुक्त हो जाएगी। और वो अर्घ लगाए।
और जैसे ही अर्थ लगाती है उसका अपना जो हस्बैंड है उसका अपना घर होता है वो पास में ही होता है, वहां से कोई एक भागता हुआ आता है, इंसान लगा थोड़ा सा आगे आता है, लता आ गया तो वो एक भागता हुआ लड़का आता है और उसको ये न्यूज देता है कि आपके हस्बैंड को कुछ हो गया है और जल्दी चलो जल्दी घर चलो जल्दी घर चलो। वो एकदम खड़े पैर वहां भागती है और घर जाके देखती है तो उसका हस्बैंड मूर्छित पड़ा हुआ, बिल्कुल मूर्छित पड़ा हुआ। तो वो बच्चे का मुंह बन गया, अरे सो ये बना दूंगे, आज का दिन आपके लिए है, अपने को एंजॉय करो, ये नहीं कि अगर हस्बैंड ने किसी बात पे या सास ने या बहू ने या बच्चों ने किसी को मुंह देने की जरूरत है, बल्कि तुम थोड़ा सा मुंह बना के रखो। वो जैसे ही कवर लेने के लिए बाहर जाती है तो पीछे से उसकी जो मेड होती है उसका नाम होता है गुड़। ये जो शक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमारा पैर पा
उनको अपनी अपनी जगह रखता है और जो रानी होती है उसको नौलखा हार देता है और खीर पताशे गोली को देता है जो ओरिजिनल गोली थी, और गोली फिर अपने काम करने शुरू कर देती है और रानी अपने काम शुरू करती है। बस हो गया, हैप्पी बर्थडे बोलो, 1 2 3 चीज और चीज बोलो। आओ दीदी बैठ जा, बैठ जा। मैं डाइनिंग पे ही रख के आई थी, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ फोटो खिंचाऊँ, मैं नीचे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।